जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर सरकार की। जैसा कि आपको पता है कि अब दिल्ली की कथा के बाद अब महाराज जी की 10 से 16 जुलाई ग्रेटर नोएडा में कथा शुरू हो चुकी है। आज की कथा में महाराज जी के लाखों की पब्लिक आई, और आपको बता दिया जाए कि जब महाराज जी की शोभा यात्रा हुई तब वहां पर कई हजारों की भीड़ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। ये कथा 16 जुलाई तक चलेगी, और इस सत्र में कहा जाता है कि लाखों की भीड़ महाराज जी की कथा सुनने वहाँ पर आएगी। इसकी बहुत ही व्यवस्था की गई है, वहाँ पर 10 पार्किंग जोन बनाए गए हैं जहाँ पर आप आसानी से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो बारिश की संभावना हुई तब वहाँ पर 10 वाटरप्रूफ टेंट भी बनाए गए हैं। आपको बता दिया जाए कि महाराज जी 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार भी लगाएंगे, और जिसको कथा सुननी हो वो 4 बजे से कथा भी सुन सकता है। दिव्य दरबार में, जैसा कि दिल्ली के दिव्य दरबार में लाखों श्रद्धालुओं के महाराज जी ने संकट को दूर किया, और कईयों को तो महाराज जी ने सीधा ही उनकी बीमारी बताई और उनको अर्जी देने के लिए महाराज जी ने अपने बागेश्वर धाम पे बुलाया है। इसी तरह महाराज जी यहाँ पर भी दिव्य दरबार लगाकर लाखों लोगों के कष्टों को हरेंगे और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी की कथा सुनिए और दिव्य दरबार में सम्मिलित होइए। अगर जो आप भी महाराज जी की कथा में जाएंगे तो हमें कमेंट में जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखें।